इसकी वाली हार्ड डिस्क तो पूरी खराब है ना, तो ऑन ही नहीं हो पाया था उससे। मतलब ये हार्ड डिस्क खरीदेगा ना, दूसरी एसएसडी खरीदेगा ना, तो चल जाएगा बढ़िया। उसको बता दियो हो जाएगा ये ठीक ना, जैसे तेरा हुआ था सेम उसी तरह हो जाएगा ठीक। ये देख तेरे वाले स्टोरेज इसमें डाल दिए मैंने, बस दिखा दे उसको लाइक मतलब ऑन हो गया है। मतलब वो भी तेरी वाली हार्ड डिस्क से, मतलब उसकी वाली हार्ड डिस्क खराब थी। 3344 पासवर्ड मैंने रखा है, एंटर कर दिया, विंडोज डाल दिए और सब वर्क करा। तेरी वाली हार्ड डिस्क तो पहले से ही खराब थी, थोड़ा 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 जान आखिरी जान बची हुई थी तो चल गई है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है जीत, आपसे लगते हैं एडी चेक जोन। आज हम अनबॉक्स करने वाले किंगस्टन। ये अमेजोन की पैकेट से मैंने बाहर तो निकाली थी क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं था कि अमेजोन हमें एसएसडी डिलीवर करेगा या कुछ और, लेकिन आज हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं। 240 GB, जबान फिसल गई, मेरी जबान टूट गई। किंगस्टन की टेक्नोलॉजी पे बेस है, Q500 मॉडल नंबर है, 10 गुना फास्टर इसमें लिख रखा है। देख लेते हैं हमारे 20 साल पुराने लैपटॉप को ये फास्टर बना पाती कि नहीं बना पाती है, तो इसलिए हमने ये ऑर्डर करी है। फटाफट से इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। देख लेते हैं, यहाँ पर आपको एक खुला पैकेट सा दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है किंगस्टन, 240 GB मॉडल नंबर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले जो इस लैपटॉप में लगी थी वो थी टोशीबा की एसएसडी नहीं कहेंगे, हार्ड डिस्क की कहेंगे इसको। ये बहुत स्लो हो गई थी, इसमें विंडोज 7 चल रही थी जो कि बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं हो रही थी, मिनट मिनट में हैंग हो रहा था। अभी इसको लगाने के बाद देखते हैं क्या हमारा लैपटॉप सुपर फास्ट बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग में कुछ नहीं है, सिर्फ पन्नी फाड़नी है इसकी। पन्नी फाड़ते फाड़ते मेरी हाथ की जान की वजह से हार्ड डिस्क ना फट जाए तो उसका मुझे डर है, और उसका खास ध्यान भी रखना पड़ेगा। ऊपर का पैकेट इधर से पड़ा और हमारे हाथ में अब फाइनली आ चुकी है ब्लैक कलर की एसएसडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड वगैरह, सीरियल नंबर, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। फ्रंट साइड पे बहुत अच्छी ब्रांडिंग मिलेगी यहाँ पर, लोगो मिलेगा किंगस्टन का जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अब यहाँ पे वारंटी वॉइड के लिए सील दे रखी है, अगर आपने ये हटा दिया तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी, तो आपको इसको नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी, सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे भी मेंशन आप देख सकते हैं 240, ठीक है। ये यहाँ पर आपको पावर पावर पोर्ट मिल जाएगा, ये आपको डेटा ट्रांसफर पोर्ट मिल जाएगा, दोनों पोर्ट यहाँ पे मिल जाएंगे जैसा कि आपको प्रीवियस एसएसडी में आपको देखने को मिला था, तो सेम इसी के पोर्ट है। अब इसको लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेते हैं और डालते हैं इसके अंदर विंडो। और देखा जाए तो इसके मुकाबले ये काफ़ी लाइट वेट है क्योंकि इसमें मोटर वगैरह कुछ नहीं होती, सिर्फ चिपसेट ही होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है। चलिए फटाफट से इसको लगा लेते हैं और मिलते हैं आप सभी से आगे। तो अभी जिनका लैपटॉप था जिसमें हमने एसएसडी रिप्लेस करी है एचडीडी के बदले, तो अभी देखते हैं कॉल करके उनका रिस्पांस कैसा है और कैसा यूज़ हो रहा है, मतलब बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही है, और रिकमेंडेशन भी पूछ लेंगे कि आप लोग भी डलवा सकते हो कि नहीं डलवा सकते एसएसडी, ठीक है। यो मैन अजीत, यो मैन, यो मैन, बस एक रिकॉर्डिंग कॉल है पूछने के लिए कि तेरा लैपटॉप कैसा चल रहा है एसएसडी डालने के बाद। एसएसडी डालने के बाद लैपटॉप में भाई बहुत सारे चेंजेस आए हैं और बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब 10 टाइम फास्टर हो गया एक्चुअल में, जिस तरीके से मेरा लैपटॉप बिल्कुल डेड था। ये रियल में बोल रहा है या फिर एक रियल में बोल रहा हूँ, एकदम रियल में, मतलब पहले पहले से पहले के मुकाबले कितना गुना डिफरेंस आया है? एग्जैक्टली 10% 10 टाइम्स डिफरेंस आ चुका है। क्योंकि जब मैं लैपटॉप ऑन करता था ना तो वो लैपटॉप ऑन करने के लिए मेरे को कम से कम 15 मिनट चाहिए होते थे। अच्छा, बट अब मैं ऑन करता हूँ वो स्टार्ट हो जाता है और जितने भी टैब खोलू वो लैग नहीं करता है। और पहले मैं 4-5 टैब खोल लेता था ना तो वो लैग करने लग जाता था। अच्छा, मैंने पहले देखा था कि एक बार ना तो शट डाउन कर रहा था वो 5-10 मिनट 15 मिनट ऐसी शट डाउन पे अटका हुआ था। भाई वो 15 मिनट नहीं, वो 2 घंटे तक शट डाउन पे ही अटका हुआ था। तू घर चला गया था, मैं वापस लगा हुआ था उसमें, वो 2 घंटे तक शट डाउन पे ही अटका हुआ था। फिर अभी एसएसडी बदलने के बाद? अरे भाई जेन्युइन एकदम तुरंत बंद होता है। अच्छा चल ठीक है, सेकंड में सब कुछ शट डाउन स्टार्ट सब कुछ हो जाता है। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस है ये नई वाली एसएसडी के साथ तेरा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है भाई। अगर कोई बंदा कमेंट सेक्शन में पूछे कि वो पहले हार्ड डिस्क यूज करता है नॉर्मल अपने लैपटॉप में और वो एसएसडी यूज करना चाहे तो कर सकता है? एग्जैक्टली उसको एसएसडी ही यूज करनी चाहिए भाई, अगर उसका हार्ड डिस्क ठीक भी है ना। हाँ हाँ, तब भी मैं कहूंगा चेंज करवा ले या फिर वेट करे अपने खराब होने तक का, जब तक खराब नहीं होती है ना। नहीं तो फिर डेटा उड़ जाएगा ना। हाँ, डेटा का बैकअप ले ले। तुम हार्ड डिस्क को सेपरेट रख दो जब तुम्हारे को मतलब इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है उसके लिए, मगर अभी तो एसएसडी लगवा ही लो मेरी तरफ से। अच्छा, आपकी तरफ से, मतलब आप स्पॉन्सर कर रहे हो क्या? मतलब मेरा ये रिकमेंडेशन है। अच्छा ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। ओके बड़ी भाई।